अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, ठीक है ना। मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में बना रही हूँ पराठे, ठीक है ना। और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी अंडे का आमलेट। ये देखें, मैंने दो पेड़े बना लिए हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने घी लगा लिया है। घी लगा के इसको मैंने बेल के और इसको पेड़े बना लिए हैं। क्योंकि हमारा किचन बहुत छोटा है तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, क्योंकि स्लीप बहुत छोटा है, आप लोगों ने देखा ही है। तो और मैं आखिर में आपको और दिखा दूँगी, तो इसलिए ना बेलने में बड़ी मुश्किल होती है और वीडियो नहीं बन सकी थी ना, इस वजह से। अब ये कि इंशाल्लाह मैं बेल के आपको पराठा डाल के दिखाती हूँ। जी गेस्ट, ये देखें हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पराठा डालती हूँ, ठीक है। ठीक है, पराठे हमारे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं क्योंकि बेटे से खाए नहीं जाते। वो बोलता है मम्मा थोड़े दरमियाने साइज़ के बनाइएगा, तो ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी मैं, छोटे ही बनाऊंगी, ठीक है। देखें कितने अच्छे से सीख रहा है ये पराठा, ठीक है ना। ठीक है, हमारा पराठा रेडी हो गया है, ठीक है। ये देखिए पराठा कितना ज़बरदस्त और इतना अच्छा, हर तरफ से सीखा हुआ और अच्छा पराठा बनाए। अब इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसमें दूसरा पराठा डाल रही हूँ। असल में मैंने आपको बेल के तो नहीं दिखाया, इसलिए कि बहुत मुश्किल से मैं साइड में स्लिप पे बेलती हूँ, तो उस पर वीडियो नहीं बन सकती है, तो इसलिए मैंने आपको बेल के दिखाया। और देखें बिल्कुल गोल है ये मेरा। ये अब मैं तवे पे डाल दें, ठीक है। और आ जाएं आप में से किस किस को पराठे खाने हैं हमारे साथ, नाश्ता करना है, आ जाएं आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। अब मैं इसके साथ इसके बाद जो है ना अंडे का आमलेट बनाऊँगी। अंडा हाफ फ्राई अपने बेटे के लिए, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा एड कर दूँगी, मैं फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जी गाइस। ये हमने अंडे का आमलेट बना लिया है, ठीक है। ये आमलेट बन गया मेरे बेटे का हाफ फ्राई। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ, ठीक है। मैं आमलेट बना रही हूँ, ठीक
क्योंकि मुझे आमलेट पसंद है और अनस को हाफ फ्राई, तो मैं अब आमलेट बना रही हूँ। क्योंकि मैंने ली थी एक छोटी सी प्याज, ठीक है, और दो अदद हरी मिर्चें। अब मैं इसको अच्छे से मैच कर लूँगी, ठीक है ना। मुझे आमलेट में कच्ची प्याज ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। और थोड़ी सी बाज़ लोग जो ना फ्राई भी करते हैं, लेकिन मुझे फ्राई प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है, अंडे में कच्ची प्याज ही बहुत पसंद है जी। गाइस अब मैं तवे पर डाल रही हूँ और ये गर्म हो चुका है, ठीक है। पानी में डालती हूँ जी। ये देखो मेरा आमलेट तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, ठीक है ना। और आप लोग भी आ जाएँ जिस जिसको खाना है। और बस अभी मैं ये करके फिर अपनी चाय भी बनाऊँगी। उनको बहुत शौक था कि मुझे अपनी वीडियो में ले लिएगा आंटी, तो आज ये हमारी वीडियो में आ रहे हैं। इनकी और इनकी वीडियो को ज़रूर ज़रूर हमारे, इनका नाम है सबूर, तो इनके वीडियो के आने, सबूर इधर देखो हाय कर दो, तो इनकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स लिखिएगा। और कह रहे थे कि मेरे आने से आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, तो आप दुआ कीजिएगा। और बस ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और अभी चाय भी आ रही है, चाय रेडी हो गई है, बस चाय भी लेके आ रही हूँ मैं इनके लिए। तो बस अभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाएं जी। गाइस मैं चाय ले आई हूँ बच्चों के लिए, और सबूर कह रहे हैं आपके हैं, आ जाएं आप लोग भी चाय पीने। सबूर कह रहे हैं जिसे जिस ज़ोर से बोलो, आप लोगों को बुला रहा है व्यूअर्स, तो जिस जिसको चाय पीनी है आप लोग आ जाएं, चाय पी लीजिए। और नाश्ता भी कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और सबूर का तो खैर हमें मालूम ही नहीं था, बस वही बात है ना कि जिसका नसीब, तो हमने तो नाश्ता अपने लिए बनाया था, तो माशाल्लाह बस वही बात है ना, खाने वाले पे जिसका नसीब है, तो अल्लाह ताला ने इनका नसीब यहाँ लिख दिया था नाश्ते का, तो ये आ गए थे अचानक, तो हमने कहा चलो नाश्ता कर लो हमारे साथ। तो बस ये नाश्ता कर रहे हैं, और मैंने अपने लिए ना आपके सामने रखे सामने नज़र आ रहे होंगे केक रस, तो मैंने अपने लिए केक पीस निकाले हैं, लेकर आए थे, तो मैं अब चाय के साथ केक पीस खाऊंगी। और आप लोग भी आ जाएं, आप लोग भी खा लीजिए। और मेरी वीडियो यहीं तक की थी, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और बस यहीं तक का था आज का व्लॉग, ओके अल्लाह हाफिज़।